हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन मीडिया रिएक्शन नसीम शाह टेरर। तो नसीम शाह के बारे में ये वीडियो है। काफ़ी पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर बातें हो रही कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही मजबूत है और उसमें नसीम शाह एक बहुत ही बड़े एक्स फैक्टर रहने वाले हैं। हालांकि उनके पास शाहीन शाह अफरीदी भी है, आरिस रऊफ भी है और भी उनके पास स्पिनर्स भी है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग है। अब देखते हैं इन्होंने इस बारे में क्या बातचीत की है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, हियर वी गो। पाकिस्तानी गेंदबाज नाम नसीम शाह, खतरनाक है नसीम शाह के आंकड़े, रोहित विराट के लिए कर देंगे मुश्किलें खड़ी। श्रीलंका और पाकिस्तान द्वारा मिलकर आयोजित हो रहा वनडे एशिया कप 2023 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बार मुकाबला होने की संभावना बन रही है और पहला मुकाबला 2 सितंबर को होना है। एक ऐसे गेंदबाज को जगह दी गई है जो कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। गेंदबाज की आग उगलती गेंदें शाहीन और हारिस रऊफ से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी टीम में शाहीन शाह अफरीदी से लेकर हारिस रऊफ तक को जगह दी है जो कि पहले भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनते रहे हैं, लेकिन इस बार इस टीम में नसीम शाह को भी जगह दी गई है जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह की आग उगलती गेंदें भारतीय बॉलर्स के पसीने छुड़ा सकती है। नसीम शाह के आंकड़े पर नजर डालें तो शाह अब तक 13 मैचों में 25 विकेट ले चुके हैं और इस दौरान उनका एवरेज 16.96 का रहा है। खास बात यह कि नसीम विकेट टेकिंग के साथ ही एक किफायती बॉलर भी हैं जिनका इकोनॉमी रेट पाकिस्तान के वर्तमान सभी गेंदबाजों से कम 4.81 है। नसीम शाह के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि वो इस बार एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी से लेकर हारिस रऊफ की गेंदों का सामना कर रहे इंडियन बल्लेबाज के लिए नसीम शाह एक आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल बनकर आ सकते हैं। महज 20 साल की उम्र है नसीम शाह के, जिन्होंने बेहद कम उम्र में अपने टैलेंट के दम पर दुनिया में बड़ा नाम कमाया। आज नसीम को पाकिस्तान के वर्तमान के सबसे बेहतर गेंदबाजों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि इस दाएं हाथ के गेंदबाज को 30 अगस्त से शुरू होने वाली एशिया कप 2023 टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान टीम में जगह मिली है। इंडियन क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको पता ही है क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप होना है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर ऑलरेडी है और वर्ल्ड कप से पहले है एशिया कप। एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी होगी और वहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा जो एक हाई प्रेशर गेम रहता है और जिसमें सभी इंडियन क्रिकेट फैन चाहते हैं कि इंडियन टीम बेहतर करे, क्योंकि बीते कुछ मोमेंट्स में हमने देखा है कि प्रेशर सिचुएशंस पर इंडिया थोड़ी सी घबराई हुई लग रही है। लेकिन जहां पर बात करी घबराहट की, डर की, तो क्यों इंडियन फैंस का डर थोड़ा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी जो बल्लेबाज हैं कुछ वो भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई हमें तैयारी जो है अपनी और ज्यादा पुख्ता करनी होगी। तो वो डिस्कशन है, लेकिन अभी मानकर चलते हैं तीनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म, इंडिया के साथ लेफ्ट आर्म की प्रॉब्लम रही है और ये डर अभी एकदम से क्यों, एक मैं बात करूं कि क्यों बढ़ गया। अब घबराहट की बात क्यों, क्योंकि ये विजुअल्स भी आपको याद आते हैं 2021 T20 वर्ल्ड कप, किस तरीके से वहां पर रोहित शर्मा का डिसमिसल, KL राहुल का डिसमिसल और बाद में बड़ी विकेट विराट कोहली को भी उन्होंने आउट किया था। तो इन तीनों बल्लेबाजों के मन में क्यों ये शाहीन शाह का हम डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम जो टोन सेट होनी है वो ऊपर से होनी है। हालांकि वनडे क्रिकेट में शाहीन और ज्यादा वो अपनी कहते हैं कि एक लेगेसी बनाना चाहेंगे उसी तरीके से जितना T20 में शायद वो बना चुके हैं। T20 सर्किट पर ऐसा रहता है कि भाई नई गेंद जब शाहीन शाह अफरीदी के पास हो आपको लगता है कि विकेट तो आना ही आना है। वनडेज में भी वो उस कड़ी को जो है और आगे ले जाना चाहेंगे और एशिया कप में अगर वो करते हैं ऐसा भारत के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने कर दिखाया था वही वो कर दें वनडे वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस और इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। अब राइट हैंडर्स के अगेन शाहीन शाह अफरीदी और ज्यादा डेडली रहते हैं, इवन लेफ्ट हैंडर्स को भी आउट करते हैं और शायद कहीं ना कहीं आपको पता भी होता है कि फुल बॉल होगा, इन स्विंगिंग बॉल होगा या यॉर्कर पर होगा, पर उसके बावजूद तमाम बल्लेबाज जो हैं हमने अलग अलग बल्लेबाजों को वहां स्ट्रगल करते हुए देखा है। इसीलिए इन सब बल्लेबाजों को तैयार रहना और ये भी हमने देखा था। तो अगर टीम इंडिया माने ना माने बट कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म पेसर टीम इंडिया की बड़ी कमजोरी रहा है और शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से T20 फॉर्मेट में पर्टिकुलरली नया बॉल डालते हैं वही आपको पता है कि चाहे वाइट बॉल हो रेड बॉल तो और ज्यादा थ्रेटनिंग होगा। फॉर्मेट अगर बदलेगा भी और एशिया कप को तो हटा दें और बात करें अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले की, तो अहमदाबाद में हमने हमेशा देखा कि फास्ट बॉलर्स को मदद होती है, शाहीन नहीं थे तो नसीम शाह का वहां पर फैक्टर है और नसीम शाह की बाहर जाती गेंदें किस तरीके से भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान किया था
वो भी हमें देखना है। फिर आपके पास हारिस रौफ भी आएंगे, तो अगर आपने पहले ही ओवर में विकेट दे दी शाहीन शाह अफरीदी को तो भारतीय टीम की जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। शाहीन शाह अफरीदी और कहां पर डराते हैं, वो है उनका स्किल सेट। हमने देखा कि लेफ्ट आर्मर का टिपिकल बॉल वो अंदर आता हुआ तो आपको पता है, लेकिन उनका बॉल जो हवा में वॉबल करते हुए हल्का सा बाहर निकलता है, वहां पर भी वो बल्लेबाजों को जो है परेशानी में डालते हैं और आउट करते हैं। दूसरी चीज उनके साथ क्या है, बड़ी विकटें, हमेशा वो बड़ी विकटें निकालते हैं। जो हमने आपको कुछ कुछ तस्वीरें दिखाई, आपको पता है कि उस मैच में केएल राहुल और रोहित को अपफ्रंट आउट करके उन्होंने भारत की मुसीबतें बढ़ा दी और फिर एक समहाउ इंडिया रिकवर कर रहा था, तो आखिर में उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया। जब अभी तो शाहीन शाह अफरीदी का खतरा है, शाहीन शाह अफरीदी के लिए तैयारी भी चाहिए होगी भारतीय टीम को। और अब यही है, जैसे हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो हमारे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कंसर्न भी रहा है। और शाहीन आज की डेट में जिस तरीके के गेंदबाज हैं, जितने स्किलफुल हैं, वो एक टॉप क्लास कॉम्पिटिशन, अगर हम भारत से अपने बल्लेबाजों को कहें कि जितने टॉप क्लास क्वालिटी के हमारे पास बल्लेबाज हैं, तो शाहीन की गेंदबाजी भी शायद अब वो पूरे फिट हैं उसी तरीके की नजर आ रही है। तो अब देखना होगा किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर हैं, जहां पर रोहित, विराट, शुभमन की हम बात करते हैं, ये जब फ्रंट करेंगे शाहीन को, बैटल कैसा रहेगा। लेकिन भागो, और फिर जो वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला है वहां पर भी, क्योंकि पाकिस्तान को पार पाने के लिए उनकी गेंदबाजी एक चैलेंज रही है। जैसे मैंने कहा कि वहां पर हारिस रौफ, नसीम शाह, शाहीन, उनका अच्छा एक बॉलिंग ग्रुप है, तो अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी रहेंगे। अगर आप उनका पहला स्पेल काउंटर करोगे तो चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर वहां लड़खड़ाए शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में तो दिक्कतें भारत को हो सकती है। इस वीडियो पर अपना एशिया कप से ठीक पहले जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर अब टीम इंडिया की भी टेंशन बढ़ गई होगी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना कहर बरपाने को तैयार है, खासकर पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के तो क्या ही कहें। उनकी गेंदबाजी के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, खासकर उनका ये खूंखार परफॉर्मेंस देखकर टीम इंडिया की टेंशन एक तरह से कहें तो बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया जानती है, मानती है कि शाहीन अफरीदी को खेलना टीम इंडिया के कई बल्लेबाजों को अखरता है। ऐसे में जब एशिया कप में शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर लेकर आएंगे तो निश्चित ही कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल की परीक्षा लेंगे। वहीं अगर उन्होंने 2021 T20 वर्ल्ड कप वाला कारनामा ही दोहरा दिया तो फिर तो भारतीय टीम को कोई भी नहीं बचा सकता, ये हम सब जानते हैं। मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का इंग्लैंड में किया गया प्रदर्शन भारत को श्रीलंका की धरती पर खेलने वाले मुकाबले के लिए अब डरा रहा होगा। तो देखना होगा कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए क्या कुछ तैयारी करती है। वीडियो ज्यादातर शाहीन शाह अफरीदी के बारे में था। शाहीन शाह अफरीदी को लेकर काफी सही बात की, वाकई में वो स्टार्टिंग में विकेट लेने में माहिर है। और इंडिया में जैसे रोहित शर्मा को लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेलने में मुश्किल होती है, उसके अलावा केएल राहुल बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के सामने तो वो जल्दी विकेट देकर चले जाते हैं। अगर कोई टिकता है पाकिस्तान के सामने तो वो सिर्फ विराट कोहली। तो देखते हैं विराट कोहली इनको कैसे फेस करते हैं और रोहित शर्मा और केएल राहुल टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी ही करने वाले, उसके बाद फिर नसीम शाह भी है, फिर हारिस रऊफ आ जाते हैं, तो इनके पास बॉलिंग तो बहुत तगड़ी है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया के पास भी तीन अच्छे फास्ट बॉलर है, बुमराह, शमी, तीसरे हैं अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो वो अच्छी स्टार्ट ले सकते हैं जल्दी विकेट लेने के लिए, क्योंकि इनका भी जो बॉल है पढ़ के आगे डालते हैं और पढ़ के अंदर की साइड आता है तो विकेट लेने के चांसेस बनते हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने बाबर आजम का विकेट लिया था, जल्दी आउट कर दिया था और सेम बॉल पे आउट करा था जिस बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी आउट करते हैं आगे की साइड डाल के जो अंदर लाते, वैसा ही कुछ सेम बॉल उन्होंने डाला था। फिर शमी एक्सपीरियंस वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो इंडिया की जो बॉलिंग है, इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से। काफ़ी ज़्यादा ये बोला जा रहा है कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, लेकिन इंडिया के पास भी तीन फास्ट बॉलर है जो मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया की मुश्किल क्या है अभी फ़िलहाल, इंडिया की मुश्किल अभी फ़िलहाल उनकी बैटिंग है। इंडिया के पास स्टार्टिंग के तीन बैट्समैन तो हैं, अच्छे हैं, रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं है अभी इंडिया के पास। मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से जडेजा को होना चाहिए। जडेजा को मैंने बहुत बार देखा है कि जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो वो पारी को संभाल लेते हैं और टीम को काफ़ी आगे तक लेकर जाते हैं, इतना वो हिम्मत रखते हैं और इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको करते हुए देखा है हमने। तो मेरे ख्याल से जडेजा को होना बहुत ज़रूरी मिडिल ऑर्डर में,
और पाकिस्तान के तो मिडिल ऑर्डर के जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। मिडिल ऑर्डर में उनके पास इफ्तिखार अहमद आ चुके हैं, इफ्तिखार अहमद और आगा सलमान ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद शादाब खान भी है, अगर इमाद वसीम को रखेंगे तो फिर बैटिंग और लंबी होती जाती है। नवाज़ भी है और फिर स्टार्टिंग में तो अच्छे बैट्समैन है ही, रिजवान है, बाबर है, फ़खर है, इमामुल हक है, तो ये काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, काफ़ी अच्छी पाकिस्तान की टीम है। इंडिया के पास सिर्फ मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक ही मसला रहेगा मिडिल ऑर्डर का, बॉलिंग भी अच्छा कर लेगी और बैटिंग भी अच्छा कर लेगी ओपनिंग की, मिडिल ऑर्डर का मसला रहेगा इंडिया के साथ मेरे ख्याल से, सिर्फ मेरा ये पॉइंट है। लोग बोल रहे हैं कि बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग में मेरे ख्याल से जो तीन फास्ट बॉलर होंगे इंडिया की टीम में तो ये अच्छा होगा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वीडियो दोस्तों यहीं एंड होता है, कैसा लगा रिएक्शन कॉमेंट करके बताना, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।